अगर एग्जामिनर ने पार्टनर का लोन दिया है तो हम लोगों को पार्टनर का लोन बनाना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने पार्टनर का लोन नहीं दिया तो हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या रखिएगा, पार्टनर का लोन। अदर देन पार्टनर का लोन होगा हम लोग कंसीडर करेंगे एज लायबिलिटी। पार्टनर का लोन देगा तो ही लोन अकाउंट बनाना। आज हम लोग जो सब स्टार्ट कर रहे हैं ये आप ही के टेक्स्ट बुक का सम है। मैं पेज नंबर के साथ स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर 214 सम नंबर 1। ठीक है, मैं सम रीड आउट करता हूँ, सम आपको समझ में आए, इसके बाद की बात बाद में लूंगी। दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है रिद्धि और दूसरे पार्टनर का नाम है सिद्धि। और ये दोनों पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन क्या है, 2:1। तो 2:1 को आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और हाईलाइट करेंगे। लिखा है, इतना लिखा है सब, क्यों जो सब मैंने ग्रुप में भेजा था वही सब लिखा, ओपन कर लिया अपना। बाद में दिया कि दी फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2019। और रिद्धि और सिद्धि का जो फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट आप लोगों के सामने दी गई है। एक हिस्सा लायबिलिटी है और दूसरा हिस्सा एसेट है। लायबिलिटी और एसेट में आप लोगों को डिफरेंसेस बता रहा हूं। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस और एसेट का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। मतलब एसेट आइटम कहीं भी जाएगा, या तो रियलाइजेशन के डेबिट में चले जाए, या तो पार्टनर के डेबिट में चले जाए, या तो कैश ऑन बैंक के डेबिट में जाए, बाकी वो क्रेडिट में नहीं जाने वाला नहीं है। और लायबिलिटी आइटम कहीं भी जाएगा, पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, चाहे रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाए, चाहे पार्टनर के क्रेडिट में जाए, चाहे पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाए। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा आपको। अब हम लोगों ने सबसे पहला कसम क्या खाए थे, हम लोगों ने सबसे पहला कसम खाए थे ट्रांसफर ऑल दी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर जाए। हमारे पास जितना भी एसेट होगा पूरा एसेट हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। अगर हमने एसेट को डेबिट में लिखा है तो लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, सम रीड आउट करो। एसेट साइड आऊंगा तो सबसे पहले एसेट का नाम है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, फर्नीचर, मशीनरी, गेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी हमारे लिए एसेट ही है। बराबर है, अगर ये सबके सब एसेट है तो सबके सब एसेट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। एक आइटम है जिसका नाम दिया गया आरडीडी, और मैं बार बार आप लोगों को बताऊं कि आरडीडी मेरे लिए मेरा कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। आरडीडी का मतलब पैसा डूब जाना, मैं और मे नॉट बी। बराबर है, तो आरडीडी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अगर हमारे लिए लायबिलिटी तो हम लायबिलिटी को कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बाद देखिएगा लास्ट आइटम दिया गया बैंक। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया, अगर आपने बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक कभी अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, टू बैलेंस डॉट कॉम। इसके बाद मैं लायबिलिटी साइड आता हूँ। लायबिलिटी साइड में जब आया तो सबसे पहला मुझे दिख क्या रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है, रिद्धि और सिद्धि का। तो रिद्धि और सिद्धि क्या है, पार्टनर है। बराबर है, अगर रिद्धि और सिद्धि पार्टनर है तो हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है। अगर हमने बेटा इधर आके बेटा, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर बनाया है तो पार्टनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, तो पार्टनर भी अपने क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट में क्या लिखेगा, बाय बैलेंस। इसके बाद रिजर्व फंड, तो मैंने आप लोगों को तीन नाम बताया हूँ, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन चीजों का हकदार कौन होता है, पार्टनर। ये रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो आप लोगों को लिखना रहेगा तो लिख देना p.cap.cr। इसके बाद दिया गया वहाँ पे सिद्धि लोन, सिद्धि बिजनेस की पार्टनर है। अगर सिद्धि बिजनेस की पार्टनर है तो हम लोगों ने पार्टनर लोन अकाउंट बनाया, मतलब सिद्धि का लोन अकाउंट बनाया है, और सिद्धि कभी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगी, बाय बैलेंस डॉट डॉट। इसके बाद दिया गया क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लिए हमारी लायबिलिटी है, और ट्रांसफर ऑल दी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बराबर है, जितनी भी लायबिलिटी होगी हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब मैं एडजस्टमेंट के साइड आता हूँ, और याद रखिएगा हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एक आएगा तो एक जाना भी चाहिए। अब यहाँ पे दिया है एडजस्टमेंट नंबर 1, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31st of March 2019। 31 मार्च 2019 के दिन कंपनी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, कंपनी बंद हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बता रहा है, एसेट रियलाइज एज फॉलो। एसेट हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं। रियलाइज का मतलब होता है सेल करना, बेचना। देखिए क्या क्या बेच रहे हैं हम लोग, मशीन बेच रहे, बिल्डिंग बेच रहे, स्टॉक बेच रहे और डेटर बेच रहे। अच्छा, अगर हम लोग एसेट बेचेंगे तो हमारे पास एसेट आएगा, क्या हमारे पास एसेट जाएगा, हमारे पास एसेट जाएगा, और क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। बराबर, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो चीज आया उसको डेबिट में डालेंगे और जो चीज जाएगा उसको क्रेडिट में डालेंगे। अगर एसेट आया तो मैंने डेबिट में लिखा था, जब एसेट जाएगा तो मैं कहां लिखूंगा, क्या आएगा मेरे पास, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन आना। एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2,
रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट दैट रुपीज 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। रिद्धि ने क्या बोली, फर्नीचर बेचो मत, बराबर है, फर्नीचर मत बेचो और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मत बेचो, इसकी जो भी कीमत होगी आप उससे ले लेना। अगर रिद्धि बिजनेस से एसेट लेके जाएगी तो बिजनेस में एसेट आएगा या जाएगा, तभी भी बिजनेस एसेट जाएगा। देखो मैं बेचूंगा तभी भी मेरे पास से जाएगा, पार्टनर लेके जाएगा तभी भी बिजनेस से जाने वाला है, लेकिन ये कौन लेके जा रहा है, रिद्धि। तो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे और किसका नाम लिखेंगे, रिद्धि का। हमारे पास से जा रहा है तो रिद्धि के पास आएगा, और आएगा तो रिद्धि अपने कहा लिखेगी, डेबिट में। तो याद रखिएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिद्धि का नाम, तो रिद्धि के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम। नंबर थर्ड, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट रुपीज 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अभी तक हम लोग क्या करते थे, लोन अकाउंट को डायरेक्टली आगे क्या करते थे, क्लोज कर देते थे। अच्छा याद रखिएगा, एक काम करिए, लाइब्रेरी में जाइएगा और सिद्धि का लोन देखिएगा कितना है, 4,000। लाइब्रेरी में सिद्धि का लोन सेकंड क्लास आइटम क्या दिया गया है, सिद्धि लोन कितना है, 4,000। लेकिन सिद्धि एग्री कर दी सिर्फ 3,000 के लिए, कितने के लिए, बाबा मेरा लोन कितना पे करूंगी, सिर्फ 3,000। कितना पे करूंगी, 3,000। अच्छा अगर सिद्धि 3,000 रुपया लोन पे करेगी, बराबर है, तो सिद्धि के पास 3,000 रुपया आएगा या जाएगा, जाएगा। सिद्धि के पास से 3,000 रुपया जाएगा। तो सिद्धि कैश के क्रेडिट में किसका नाम लिखेगी, कैश अपने क्रेडिट में सिद्धि लोन का नाम लिखेगा, तो सिद्धि लोन अपने डेबिट में किसका नाम लिखेगी, कैश। इसके बाद हम लोग सिद्धि लोन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सिद्धि लोन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सिद्धि के लोन में जो भी रिवर्स बैलेंसिंग आएगा, जो भी अमाउंट बचेगा, वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जब मैं सम करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 4,000। रिजोल्यूशन का एक्सपेंस है 4,000 रुपीज। अच्छा अगर एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा या हमारे पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा। और कैश आया तो कैश के डेबिट में, कैश गया तो कैश के डेबिट, कैश जा रहा, कैश जाने की वजह से क्या पे कर रहे, एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश। इसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट जो मिलने वाला था ये हम लोगों को मिला नहीं है। अगर मिला नहीं, जब तक कुछ आएगा नहीं, जब तक कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा, तब तक अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं हो रही, तो वहां पे कोई एंट्री पास होने वाली नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा सम स्टार्ट करता हूँ। सम स्टार्ट करता हूँ पोस्टिंग एंट्री पे आता हूँ। जब मैं पोस्टिंग एंट्री पाऊंगा तो सबसे पहली कसम हम लोगों ने क्या कहे थे, ट्रांसफर ऑल दी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितना भी एसेट होगा हम लोग कहा लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट। अब देखना पड़ेगा हमारे पास कितना एसेट है, तो हम लोग अच्छा मोर देन वन एसेट है ना, अगर मोर देन वन एसेट है तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरी एसेट अकाउंट। ताकि लिखूंगा टू सैलरी एसेट। अब जितने भी सैलरी एसेट है, बराबर जितने भी एसेट है, सब एसेट का नाम बताना आप लोग। पहला एसेट बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर के बाद मशीनरी, डेटर्स, इसके बाद डेटर्स, बाद में स्टॉक, फिर इन्वेस्टमेंट, इलामत इलामत, और इसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल। बिल्डिंग कितना दिया है, 60,000। अबे ऑटो फोकस पे जूम करेगा तो दिखता नहीं, देख। मशीनरी 20,000। इसके लिए बोलता बेटा कच्ची पी के मत आओ क्लास में, दो दिन तक नहीं उतरती। बोले आप लोगों ने, मैं तो लिखने का ही काम कर रहा हूँ। डेटर कितना, 17,600। बाद में स्टॉक कितना है, 40,000। बाद में क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है। इनका टोटल लेके हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऑर्डर कॉलम। अब देखना पड़ेगा इनका टोटल कितना, तो टोटल मानने अगर आपने एक भी मिस्टेक किया तो तकलीफ हो जाएगा, तो आप लोग टोटली मिस्टेक नहीं करना। बस 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21 का एक कह किया, दो 6 और 4 10, 10 4 14, 14 1,71,600। कुछ अब इसके बाद देखिएगा तो आपके पास एसेट में एक और नाम बचा जिसका नाम है आरडीडी, और आरडीडी हमारे लिए क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। तो लाइब्रेरी को हम लोग कहा लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगा, लिखूंगा बाय
आरडीडी कितना है? 1600। इसके बाद देखेंगे तो लास्ट आइटम बच रहा क्या है? बैंक। और हम लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया है और बैंक कभी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? टू बैलेंस। कितना अमाउंट है? 20,000। इसके बाद मैं लाइबिलिटी साइड में आऊंगा। जब मैं लाइबिलिटी साइड में आऊंगा तो लाइबिलिटी में आपको यहाँ देख, जब मैं लाइबिलिटी में आऊंगा तो लाइबिलिटी में सबसे पहला मुझे नजर आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है? रिद्धि और सिद्धि का। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों क्या है? पार्टनर है। तो हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। अगर हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो पार्टनर के भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? बाय बैलेंस। और कितना अमाउंट दिया है? 80,000। 80-60। इसके बाद देखिएगा पार्टनर कैपिटल के बाद में क्या दिया गया? रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड का मालिक कौन होता है? पार्टनर। तो हम लोग एक बार फिर से पार्टनर के क्रेडिट में आएंगे और पार्टनर के क्रेडिट में आके क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फंड। अच्छा, रिजर्व फंड एक अमाउंट दिया है लेकिन बटेगा कितने के बीच में? दो के बीच में। तो क्या देखना पड़ेगा? रेशियो देखना पड़ेगा। अगर रेशियो दिया तो रेशियो के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पीएसआर रेशियो हमारा अजम्पशन होगा वो इक्वल पार्टनर। फिलहाल तो क्या रेशियो दिया? कितना रेशियो दिया? 21 का। अमाउंट कितना रिजर्व फंड का? 16,000। अमाउंट कितना है? 16,000। देखिएगा यहाँ पे अमाउंट 16,000 है, रेशियो 2:1 है। तो 2+1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब डिवाइड करेंगे इससे के लिए 3×5=15, माइनस करेंगे 1 आएगा, 3×3=9, 3×3=9, 3×3=9, मतलब आएगा 5,333 एक हिस्से के लिए। अगर एक हिस्से के लिए 5,333 तो दो हिस्से के लिए कितना आएगा? 10,666। तो मैं 66 को क्या कर दूंगा? 67 कर दूंगा और इसको दूंगा 5,330। इन दोनों का टोटल करके देख लेना, आएगा 16,000। समझ में आ रहा? इसके बाद अगर किसी को फिर इक्वेशन ना समझ में आए तो घर में अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे स्कूल सेक्शन में, आप उनके पास बैठिएगा, आपको बराबर वो लोग क्या करेंगे? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब आपको क्या करेंगे? लोग सॉल्व करके। अब हम लोग आएंगे रिजर्व फंड के बाद क्या दिया गया? सिद्धि लोन अकाउंट। सिद्धि बिजनेस की पार्टनर है तो हम लोग को पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिएगा आप लोगों ने सिद्धि लोन अकाउंट बनाया है और सिद्धि भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगी। क्या लिखेगी? बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 4,000। इसके बाद में लास्ट आइटम क्या बच रहा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और हम लोगों ने क्या कसम खाई थी? ट्रांसफर ऑल दी लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आऊंगा और क्रेडिट में आके लिखूंगा बाय क्रेडिटर। सिंगल आइटम है ना? कितना? अब हम लोग आएंगे एडजस्टमेंट के साइड। एडजस्टमेंट क्या बताता है? द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31st of March 2019। एसेट वेयर रियलाइज। बराबर है, एसेट हम लोग क्या करें? रियलाइज। मतलब हम लोग एसेट को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग एसेट बेचेंगे, हम लोगों के पास जब एसेट आया था हमने कहा लिखा था? डेबिट। जब हम बेचेंगे तो हमारे पास एसेट आएगा या जाएगा? जाएगा। एसेट आया तो डेबिट, दिया तो डेबिट। एसेट जा रहा तो क्या आएगा हमारे पास? हम लोग आएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, किसका नाम लिखेंगे? कैशिया का नाम। बाय कैश और बैंक अकाउंट। अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे, जिसकी जनरल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बराबर है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ करके मैं ये पोस्टिंग एंट्री पास आउट कर रहा हूँ। क्या क्या बेच रहे हम लोग? मशीनरी। कितने में बेच रहे? 22,000। बिल्डिंग। बिल्डिंग 28,000। हो रहा है लेकिन स्लो वर्क कर रहा है। बाद में 15,000। बाद में 15,000। अब इनका क्या करने का टोटल? 5, 5, 8, 8, 16, 16, 16, 5, 21, 22, 23 करी गया 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 8, 8, 10। रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन लिख देना एसेट सोल्ड 1,03,000। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखिए क्या बता रहा है। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड बता रहा है कि रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू।
रिद्धि क्या लेके जा रही है, इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ फर्नीचर। अच्छा इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर आया था तो मैंने कहा लिखा था डेबिट पे जाएगा तो कहा लिखूंगा कौन लेके जा रहा है आएंगे यहाँ किसका नाम लिखेंगे रिद्धि कैपिटल अकाउंट। ये एक इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है और इन्वेस्टमेंट पे जा रहे ना पे देखना और उसके साथ साथ क्या ले लिया फर्नीचर और फर्नीचर के लिए क्या बोला गया बुक वैल्यू तो फर्नीचर का बुक वैल्यू देख लेना कितना है 24,000 टोटल कितना हो जाएगा 34,000। रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिद्धि का नाम तो रिद्धि के क्या आएंगे डेबिट क्रेडिट और किसका नाम लिखेंगे रियलाइजेशन का नाम रियलाइजेशन अकाउंट रिद्धि नाम 34,000। इसके बाद नंबर थर्ड सिद्धि एग्री हो रही है सिद्धि राजी हो रही है किस चीज के लिए अपना लोन रिपे करने के लिए अपना लोन क्या करने के लिए रिपे करने के लिए। अगर सिद्धि 3,000 रुपया लोन रिपे करेगी तो सिद्धि के पास से 3,000 रुपया जाएगा सिद्धि के पास से 3,000 रुपया जाएगा काय का जा रहा है लोन का तो हम लोग कैश के क्रेडिट मार्क लिखेंगे सिद्धि लोन अकाउंट कितना 3,000। तो कैश के क्रेडिट में सिद्धि के लोन का नाम है तो सिद्धि के लोन के डेबिट में आएंगे किसका नाम लिखेंगे कैश ऑफ बैंक अकाउंट कितना 3,000। इसके बाद डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,000 डिजोल्यूशन का एक्सपेंस कितना है 4,000 एक्सपेंस है तो पे करना पड़ेगा बराबर है ना। अगर हम लोग एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमारे पास ₹4,000 आएगा या हमारे पास से ₹4,000 जाएगा हमारे पास से ₹4,000 जाएगा जाने की वजह क्या है एक्सपेंस किसका है किसका सब लोग आएंगे कैश के क्रेडिट में लिखेंगे असन मत हिला भाई एक्सपेंसेस पे कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस लास्ट वाला क्या बता रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड रिकवर्ड का मतलब मिला ही नहीं जब मिला ही नहीं तो मेरे पास कुछ आया क्या मेरे पास से कुछ गया क्या गार्डन में बैठा बेटा गार्डन विंडर लॉकडाउन में सब बंद है जाने की कोशिश भी मत कर तो अल्टीमेटली जब रिकवर्ड ही नहीं हुआ अच्छा तो वाले से बोलना पड़ेगा कैसा बैठा मालूम जी तो रिकवर्ड का मतलब ये होता है जब मेरे पास कुछ आया ही नहीं मेरे पास से कुछ गया नहीं तो मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या मारूंगा बराबर जो तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकली सम कर रहे हम लोग। अब हमारा सम क्या हो गया कंप्लीट हुआ जब सम कंप्लीट होगा तो सम कंप्लीट होने के बाद एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा अगर एग्जामिनर बोलेगा तो भी और नहीं बोलेगा तो भी ये वो काम है जो हमको करना ही पड़ेगा वो कौन सा काम है लायबिलिटी ऑलवेज पेड ऑफ होनी चाहिए। एग्जामिनर बोला क्या ये सब में नहीं बोला है फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा पेड करना पड़ेगा तो लायबिलिटी देखनी पड़ेगी हमारे लिए लायबिलिटी क्या तो हमारे लिए एक लायबिलिटी जिसका नाम है क्रेडिटर और क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा अच्छा अगर मैं क्रेडिटर को पे करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा या जाएगा मेरे पास से कैश जाएगा जाएगा तो हम लोग कहा लिखेंगे क्रेडिट में कैश जा रहा है जाने की वजह मैं क्या पे कर रहा हूँ क्रेडिटर क्रेडिटर के लिए किसके नाम का जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट लिख देना कितना है 30,000 कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश कैश और बैंक अकाउंट लिख देना क्रेडिटर पेड ऑफ। अब हम लोग आएंगे तो एक लायबिलिटी ये भी है सिद्धि का लोन तो सबसे पहले हम लोग सिद्धि के लोन को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे सिद्धि का लोन हम लोग क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अगर आप देखोगे तो डेबिट में 3,000 है क्रेडिट में 4,000 कहाँ का जाता है 4,000 या 3,000 ना तो 4,000 ऐसे लिखेंगे डबल लाइन से क्लोज करना 4,000 के सामने 4,000 डेबिट में लाके लिखेंगे 4,000 से 3,000 माइनस होगा कितना आएगा इसके सामने आके लिखेंगे टू रियलाइजेशन सर हां ये आपने 30,000 लिखे गलत लिखा क्या क्यों बेटा कितना लिखो 3,000 ये
बरोबर है भाई, बरोबर है, 30,000 बरोबर है। लायबिलिटी कितनी है? तू बराबर नहीं देख पाया, मैंने बराबर देखा था, तू नहीं देख पाया। चलिए ठीक है, सवाल करना अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का अधिकार हर किसी के पास है। ठीक है, हो सकता है सही हो या गलत हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिसने पूछा उसके अंदर डर से कि चलो उसने पूछा, उसको लगा मेरा काम है उसको आइडेंटिफाई करना, मैंने आइडेंटिफाई किया। अब देखिएगा, सिद्धि लोन के डेबिट पे किसका नाम है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में कहा जाऊंगा क्रेडिट, और किसका नाम लिखूंगा? सिद्धि लोन। सिद्धि लोन बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे, अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, अब हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बैलेंस ज्यादा है। तो देखिएगा यहाँ पे 171 और यहाँ पे 30, मतलब ये 201,000 205,000 हो गया, 205,600। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 1,00,000, 1,30,000, 1,60,000, अल्टीमेटली डेबिट बैलेंस ज्यादा है, बराबर है। तो देखते कितना ज्यादा है, 600, 4 और 1 5, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 205,600। ये 205,600 के सामने इधर भी आगे लिखना पड़ेगा, 205,600 लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 205,600 में से इन पांचों आइटम को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए एक तो स्कूल वाला जो था सिस्टम, पीछे जाओ लेफ्ट साइड में, पांचों को कॉपी करो, पांचों का टोटल लो, फिर आके इस टोटल से माइनस करो। कहीं हम लोगों ने फ्रस्ट्रेशन 1-0 कम या ज्यादा कर दिया तो पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नए सिस्टम से रिवर्स बैलेंसिंग करेंगे, बराबर है। रिवर्स बैलेंसिंग करने के लिए क्या है, सीधा सीधा ऐड करके आने का, जो डिफरेंसेस हो लिख देने का। ठीक है, देखते हम लोग, 0+0 0 में कितना ऐड करेंगे, 0 आएगा। सेकंड डिजिट देखना, 0+0 0 में कितना ऐड करेंगे, 0 आएगा। थर्ड डिजिट देखना, 6 बराबर है। हम लोग कहां पे खड़े हुए, 6 पे, और हमें चाहिए भी क्या, कहीं जाने की जरूरत है, 0। इसके बाद फोर्थ वाला डिजिट देखना, 4 था 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। हम कहां पे खड़े हुए और किसके पास जाने का है, तो 9 के आगे की गिनती करने को 5 का बात है, तो 9 और 6 15, 15 का 5 इधर आया और 1 का कर गया। इसके बाद पांचवा डिजिट देखना, 5वां, 3 और 3 6 6 और 1 7। हम कहां पे खड़े हुए, 7 पे, क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए ना, 7 के आगे की काउंटिंग करो, 8 9 10, कितने बार गिने, 3 बार। 10 का 0 इधर आया और 1 क्या कर गया, 1 और 1 2 बराबर है। हम 2 पे खड़े और चाहिए थे क्या, 2 कहीं जाने की जरूरत है, 0 मिलाएंगे, और 0 की वैल्यू मेरे नजर में आप लोगों के जैसे, किसी के आगे आगे तो 0 है, और किसी के पीछे चले गए तो बहुत आगे लेके चलाएंगे, अल्टीमेटली